लास्ट वीडियो जो था वो मैंने अकुमा के साथ प्ले किया था। आज मैं उसकी जो सबसे बिगेस्ट फॉर्म है ओनी, उसके साथ मैं गेम प्ले करूँगा। तो ओनी इसमें था, मैं मुझे एक बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये ओनी है, ये अकुमा की जो सबसे बड़ी फॉर्म है, बहुत डेंजरस बोलते हैं जिसको, वो वाली फॉर्म है। तो इसके साथ गेम प्ले करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मैं ना ये पीसी पे खेलता हूँ और कीबोर्ड से खेलता हूँ, मेरे पास इसके कंट्रोलर नहीं है, तो मैं उतना परफेक्ट तो नहीं खेलता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से मैं खेल पाऊँ और स्टार्टिंग टू एंड कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये इसका नाम डग है, चलो इसको मैंने मार दिया। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक घंटे का गेम प्ले है और एक घंटे विदाउट डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में हूँ और बाहर से भी कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, तो विदाउट डिस्टर्बेंस एक घंटे की रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वॉइस रिकॉर्डिंग करना। तो अभी हम इसके आगे आ गए हैं। यहाँ पे अभी ये जो है, ये जो है ना ये लॉक लगा लेता है, ये जो कैरेक्टर है जिसका, इसका नाम जे है और इसका नाम ब्रेड है, इसको तो अभी हमने पीछे भी मारा था, और इसका नाम टू पी है। और ये जो मोटो है इनका नाम, अच्छा ये जैक है ब्लू वाला जो है, और ये साइमन, और ओरिबर, जी ओरिबर, इस मोटे का नाम जी ओरिबर है। और ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक है, पॉइजन जैसा नाम है ऐसा ही इनका काम भी है। ये ना मतलब जंप करके किक मारती हैं। और इस गेम के अंदर जो आप अगर एक बार पिटना चालू होंगे ना, तो फिर ये आपको हवा में ही मारते रहेंगे, आपको देखना ये मज़ा आएगा। अभी आगे प्ले में अगर कोई मुझे एक किक मारता है और मैं अगर एक बार हवा में जंप हो गया ना, तो फिर ये मुझे गिरने नहीं देंगे, सीधा मार ही डालते हैं। और बहुत अच्छी गेम है, इसमें हम भी ऐसा कर सकते हैं। देखो मैंने हवा में ही इसको हम मार सकते हैं, अगर मैं इसको जंप करूं तो इसको, अगर मैं नीचे ना गिरने दूं तो मैं अपनी पूरी कॉम्बो, पूरी हिट्स मार सकता हूं। देखा अभी आपने, अभी इसने ब्रेड ने मेरे को मारा है। और ये जो एल गार्डो है ना, ये भी बहुत ख़तरनाक है, ये भी जंप करके, देखो अभी बताता हूँ मैं तुझे, रुक अभी बताता हूँ, ये ले, ये लॉक लगा लेता है, एक्सेल इसका नाम है। और ये यहाँ पे दोबारा ब्रेड आ गया, ब्रेड को भी मैंने मार दिया। अब यहाँ पे इसका जो इसने यार मार ही दिया मुझे, इसका जो लीडर है इस वाले स्टेज का वो है, इसके बाद हम सेकंड स्टेज पे पहुँच जाएंगे। खैर मैं इसको मार देता हूँ, इसने मेरा एक जो लाइफ है वो ख़राब कर दी। वेल गेम का मतलब ही यही है, हमें अपनी लाइफ के अंदर गेम ख़त्म करनी होती है, और हमें 3 लाइफ मिलती है, और इसके अंदर आपका अगर स्कोर अच्छा बन रहा है तो 1 लाइफ और बन जाएगी। और क्योंकि हम अभी गेम पार्लर पे नहीं है, तो हम यहाँ पे जितनी मर्जी उतनी लाइफ यूज़ कर सकते हैं, वैसे 10 टाइम्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस गेम को। वाओ ये मैंने कैसे किया यार, अच्छा ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादातर मैं इसको ना यूज़ नहीं करता था, इसका सिस्टम ना थोड़ा सा अलग है। लेफ़्ट टू राइट प्रेस करके एकदम से आपको जंप का बटन दबाना होता है, तो खेलते टाइम मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती, क्योंकि मुझे कैडिलैक और डायनासोर खेलने की आदत है, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती जो कि इसके अंदर है। तो फाइनली अभी हम फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुके हैं, अभी हम सेकेंड स्टेज पर हैं। लेकिन उससे पहले हम बोनस स्टेज पर आ गए हैं, और यहाँ हमें बोनस मिलेगा अगर हम इस कार को टाइम से पहले तोड़ देते हैं। इसके लिए सिंपली मेरे पास इसकी सुपर मूव्स है, तो मैं वो अप्लाई करता हूँ। मैंने कभी ओनी से गेम प्ले नहीं किया है, ना ही स्ट्रीट फाइटर के अंदर मैंने इस प्लेयर से खेला है, मैंने अकुमा से भी नहीं खेला है, अकुमा तो खैर उसमें रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये गाड़ी तो मैंने तोड़ दी है, बट मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर अच्छा है, पावरफुल है, पर थोड़ा सा इस कैरेक्टर को मैंने किंग ऑफ फाइटर में भी देखा है, मतलब वो बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, उसका नाम अलग है, लेकिन मूव्स और पर्सनालिटी इसके जैसी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। खैर अभी हम फाइनल फाइट को एंजॉय करते हैं। और इसका नाम जैक है, और ये
आइक, एलियास, बड़े छांट छांट के नाम रखे हुए हैं लोगों के। और ये जो है ना, ये पतले से भाई, इसके हाथ में पाइप जो है, ये रॉड बहुत खतरनाक मारते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये एंड्रो जूनियर भी आ गए, ये WWE में थे जो जाइंट, नहीं ये WWE के नहीं है, उस WWE में जो एंड्रियो था ना, उसकी पर्सनालिटी पे ये कैरेक्टर बना हुआ है। मतलब आप वो ही समझ सकते हो, ये उठा के फेंक देते हैं और टक्कर भी मारते हैं, तो ये भी बहुत खतरनाक है। खैर, हम अच्छा प्ले कर रहे हैं अभी तक तो। और अब हम सबवे पर आ गए हैं, और यहाँ पीछे से आ गया भाई ये मोटू, इसका नाम अलग है, पहले वाले का अलग था। तो गाइस, अगर आपको हिंदी में और भी वीडियो चाहिए फाइनल फाइट के, अलग अलग कैरेक्टर के, खैर जिनसे मैं प्ले कर चुका हूँ उनसे तो मैं दोबारा प्ले करके नहीं बनाऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी के जो गेम प्ले हैं फाइनल फाइट के, वो मैं हिंदी में बनाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। और इस वीडियो पे फाइनल फाइट की बाकी वीडियो के मुकाबले इतने लाइक देना कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, आपको हिंदी में गेम प्ले चाहिए और आप पसंद कर रहे हैं, तो मैं बाकी के जो गेम प्ले होंगे फाइनल फाइट के, मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। और इसके जैसी और भी अच्छी अच्छी रेट्रो गेम है, वो भी मैं प्ले करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और अपना इंटरेस्ट दिखाया तो। तो ये सेकेंड स्टेज का ड्रैगन बोल सकते हैं या फिर लीडर बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसी लाइफ के अंदर मैं इसको मार दूंगा। तो बस थोड़ा सा, नहीं यार शिट, थोड़ा सा बच गया, वरना मैं बिना लाइफ जाए इसको मार देता। खैर, अभी हमने इसको भी मार दिया है, मतलब दो स्टेज पे हम दो लाइफ गवा चुके हैं, कोई बात नहीं। अब हम इसके थर्ड स्टेज पर आ गए हैं, टोटल इसके अंदर पाँच स्टेज हैं, पाँच में से जो थर्ड और फोर्थ है ना, उसमें एक साथ लीडर्स आते हैं, मतलब ड्रैगन जो हैं वो एक साथ दो तीन आ जाते हैं। यार ये पहलवान बहुत खतरनाक है, ये कैडिलैक और डायनासोर में भी है बिल्कुल ऐसे ही, और इसके तो चेस्ट पे है ना, जैसे हियाची मिशिमा के निशान बना रहता है ना, ऐसे क्रॉस का निशान बना है, देखना उठा उठा के। मैं ये चीज़ कह रहा था, देखो ये मेरे को गिरने नहीं देते और हवा हवा में ही मुझे मारते रहते हैं, मुझे बड़ा बच के खेलना पड़ेगा, वरना मुझे दोबारा से गेम कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अभी बताता हूँ तुझे चौकीदार, ये तो ये जो जैक है ना, ये मतलब छोटे वाले गुंडे जो हैं, ये तो मेरे को मतलब ऐसे ही चौकीदार टाइप के लगते हैं। और भाई ये भी खतरनाक है, ये ना ये बॉम्ब फेंकते हैं और एक साथ आते हैं, वैसे तो इनमें एक भी मतलब एक पंच की जान नहीं होती है, बट फिर भी अगर ये फेंक, और ये वाला ये मोटू भी बहुत खतरनाक है, ये सीधा करंट लेके सामने से आता है और आपके ना हाथ पैर भी काम नहीं करते जब ये मतलब करंट लेके सामने से आते, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। मुझे बस बिना लाइफ गवाए इस स्टेज के लीडर तक पहुंचना है। तो आ गया ये मोटू, और शायद ये इस स्टेज का लीडर नहीं है, इसके बाद एक और आएगा, पता नहीं इसके बाद एक और आएगा या ये फाइनल है, मुझे याद नहीं आ रहा, इसके बाद एक और आएगा शायद, ये फाइनल वाला नहीं, बट ये भी खतरनाक है। मैं जल्दी से इस पर एक सुपर मार दूँ, इसकी काफ़ी पावर कम हो गई। यार ये एंट्री भी अभी आ गया, इसका नाम है ब्रैडकिन, और उसका तो नाम आपको पता ही है। यार अभी मेरी सुपर भी नहीं बन गई, ऊपर जो एक ब्लू कलर की पावर आती है ना, वो सुपर की पावर है, और उसी से ही आप जो स्पेशल मूव है आपका अमूल और बाकी जो भी स्पेशल मूव है ना, वो इससे ही मारे जाते हैं ब्लू वाली पावर से, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो अभी हमारी थर्ड स्टेज भी क्लियर हो गई है, और
बहुत जल्दी हो गई यार, 10 मिनट के अंदर। और ये एक बोनस स्टेज है, और मुझे ये सारे ड्रम तोड़ने हैं। इजी है तोड़ना, तो इस बार तो एक ही बार में दोनों तोड़ दूँगा। अगर मैं यहाँ से, अबे यार ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हो गया था खराब यार, मैं वहीं खड़े होके सारी सारे ड्रम तोड़ सकता था। गलती कर दी, मैं यहीं से अगर अमोल मारते रहता ना तो सारे ड्रम्स यहीं से टूट जाते। देखना मेरा वेट करने कर रहे हैं ये बैठ के। कोई नहीं, मैं एक एक करके मारूंगा, सबको नहीं उठाऊंगा। अरे यार उठ गए सारे। ये बहुत पावरफुल है अमूल जो है ना, इलेक्ट्रिक वाला। तो ये जो ओनी है, ये एक ये अकुमा वाली के स्पेशल है इसकी। और इसके अलावा दो अमूल मारता है ये, और एक हवा में से नीचे जंप करके भी कूदता है ये। और इसके पास दो सुपर अटैक है, एक में ये ज़मीन में मारता है टेरी बोगार्ड की तरह, और एक रियो की तरह अमूल मारता है स्पेशल। और ये वो भी मारता है ऊपर की तरफ, फूलिया बोलते हैं इसको हमारे इंडिया में, तो फूलिया बोलते हैं इसको। ये लड़की बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा एक और लड़की भी आती है, वो चाकू लेके आती है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। अगर वो दो चार आ जाएंगी ना, तो एक लाइफ तो पक्का आपकी जाएगी जाएगी, मतलब मेरी चली जाती है। हो सर, ये जो लड़की है ना, ये बहुत ख़तरनाक है चाकू वाली। अगर ये दो चार आ जाएंगी ना, तो आपकी लाइफ ले जाएंगी, एक मेरी हर बार ले जाती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और हो सकता है आप बहुत एक्सपर्ट हो गेम को खेलने में। स्लैश, ये देखना खंबे के साथ क्या कर रहा है। ऐसे गेम में कुछ कुछ अजीब से सीन डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। ओ यार चाकू मार दिया, करंट भी मार दिया। ये यार ये ना एक बार अगर आपको घेर लेंगे ना तीनों चारों तरफ से, फिर ये आपको जीने नहीं देंगे, तो मार के ही छोड़ेंगे। आपको बहुत संभाल के खेलना पड़ेगा। देखना नीचे ही नहीं गिरने दे रहे, मारे ही जा रहे हैं, बता तुम लोग। अरे यार मार दिया इन्होंने। ये गेम मैंने पहले मतलब बहुत पहले कभी नहीं खेली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई गेम है। बट यस, जब मैं 2007 या 8 में मैं कैडिलैक एंड डायनासोर खेलता था, तब मैं ऐसा इमेजिन ज़रूर करता था कि काश इस गेम के अंदर अकुमा या फिर स्ट्रीट फाइटर के या फिर किंग ऑफ फाइटर के कैरेक्टर होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। तो उस वक्त इंटरनेट इतना महंगा था कि इतना दिमाग हम लगा ही नहीं पाते थे कि ऐसी गेम हो भी सकती है। लेकिन अभी इंटरनेट पर मेरे को यूट्यूब से ही ये गेम दिखी, फिर मैंने डाउनलोड की, फिर मैंने खेल के देखा, तो मेरे को बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं इसके गेम प्ले बनाने लगा। और अगर आप भी इसको खेलना चाहते हैं ना, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है और आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और प्लेयर अनलॉक कैसे करेंगे। तो आप उस वीडियो को फॉलो करके इस गेम को खेल सकते हैं, और इस गेम को आप मोबाइल में भी खेल सकते हैं। तो अभी इस वाले स्टेज का जो ड्रैगन था वो आ गया है, और यार ये लोग मुझे घेर क्यों लेते हैं। एक तरफ से ये मोटू है और एक तरफ से ये चाकू वाले हैं। खैर शायद मैं इसको इसी चांस के अंदर मार दूँ। पीछे से गोली भी मार रहा है। बच
ये गिरने ही नहीं दे रहा, हवा हवा में ही मार रहा है। और उसका दोस्त ये चाकू वाला भी, एक लाइफ और। चलो फाइनली ये स्टेज भी कंप्लीट हो गई है और मैंने एक गेम दोबारा स्टार्ट किया है, मतलब कंटिन्यू किया है, क्योंकि मेरा गेम मर गया था अभी, मतलब तीनों लाइफ ख़त्म हो गई थी। अभी मैं ये सेकंड टाइम कंटिन्यू करके खेल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम कंटिन्यू करके खेल रहा हूँ। तो अभी हम चौथी स्टेज पर आ गए हैं और ये स्टेज जिसमें बहुत सारे ये जो है ना छोटे छोटे परेशान करने वाले लोग ज़्यादा हैं। कोशिश करूंगा मेरी यहाँ पे लाइफ ना जाए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल है इन सबको मारना। और ये एक बार मारना शुरू करेंगे तो पूरा ही मार देंगे। देख रहे हो, गिरने भी नहीं देते, हवा हवा में ही मारे जा रहे। मार ही दिया यार, अभी मैंने ये क्लियर कर दिया, मतलब यहाँ के तो सारे मार दिए। अब हम आ गए हैं द पार्क के अंदर और यहाँ पर ये दो बंदे खड़े हुए हैं, दो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो ना मैं इसकी स्टोरी पे भी बनाऊंगा, मतलब कहने का मतलब है अभी तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मुझे ना इसकी स्टोरी भी पता होनी चाहिए, ताकि मैं गेम प्ले कर करके मैं आपको बताते भी जाऊँ। बट मैं हर एक गेम के अंदर स्टोरी नहीं बता सकता। अभी ये वाली जो वीडियो है इसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो, इसमें मैं कुछ मैं क्या बताऊँ, मैं सीधा गेम प्ले करके आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टोरी जो है वो स्टडी करके आऊँगा कि किस स्टोरी के बेस पर ये गेम चल रही है, तो तब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, इन टायर्स के अंदर मेरे को कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर यार बहुत सारे आ रहे हैं दोनों तरफ से और इनको मारना बहुत मुश्किल है। ये दोनों तरफ से आते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये जानबूझ के आपको घेरने की कोशिश करेंगे। और अगर एक बार इन्होंने घेर लिया तो फिर ये ना मारने देंगे ना मारेंगे। अच्छा एक चीज़ और, इस गेम के अंदर ना काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, आप मेरे को सजेस्ट करो कि इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैं किस कैरेक्टर के साथ प्ले करूँ, तो मैं उसी कैरेक्टर के साथ फिर ये गेम प्ले करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि मैं हिंदी में बोल के इसको क्रिएट करूँ या फिर ऐसे ही करूँ, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है। और अगर आपको, क्योंकि मेरे को कमेंट में किसी ने कहा था कि विदाउट कमेंट्री इसको बनाओ, पहले मैंने छोटा सा जो मेरा ट्यूटोरियल वाला पार्ट है, ट्यूटोरियल वाला वीडियो है, मैं उसके बारे में बताता था स्टार्टिंग में, बट मेरे को किसी ने बोला कि बोलना बंद करो वीडियो के अंदर, तो फिर मैंने उसके बाद अपने वीडियो में कुछ भी नहीं बोला, मैं सीधा फिर गेम प्ले ही डालता था। उसके बाद अभी मेरे को कमेंट किया किसी ने कि भाई हिंदी कमेंट्री में ये वीडियो बनाओ, इसलिए मैं फिर उस शख्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये कंटिन्यू रखना है तो मैं बेशक मैं हिंदी में बोल के ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वी आर इंडियंस और मैं इंडियन ऑडियंस के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ओ भाई ये पहलवान आ गए, बहुत ज़ोर का मुक्का मारा है भाई, क्या ये रेड सा होके, मुझे लगता है ये गुस्से में आके पंच मार रहा है और इसको फिर कुछ होता भी नहीं है। यार मेरा एक और चांस चला गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड टाइम गेम कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं इतना बड़ा यार चैंप नहीं हूँ कि मैं विदाउट डेथ, कुछ गेम प्लेयर मैंने देखे हैं जो विदाउट डेथ इसको क्लियर कर लेते हैं, पता नहीं वो एक्चुअल में प्ले करते हैं या फिर कुछ ट्रिक होती है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटो पायलट मोड पे इसको प्ले करते हैं विदाउट डेथ, लेकिन वो कर लेते हैं। गिरने नहीं दूंगा, Oh yeah।
यार एक और लाइफ चलेगी मेरी, मुझे इसी लाइफ के अंदर अब इसको मारना पड़ेगा। ओ जीत गया। तो गाइस फाइनली ये वाली स्टेज भी कंप्लीट हो गई है और हम काफ़ी करीब हैं इस गेम के एंडिंग के। लेकिन जैसा कि देख रहा है अभी स्टेज 3 क्लियर हुई है। ओ शिट, मतलब अभी तीसरी स्टेज क्लियर हुई है और मेरे हिसाब से हमने जो ड्रैगन जो लीडर थे स्टेज के वो तो हमने ज़्यादा मार दिए। मतलब इस गेम के अंदर एक स्टेज में 2 बार या 3 बार भी आते हैं ड्रैगन, लास्ट वाले में तो तीन या चार ड्रैगन आते हैं। अभी हम 4th स्टेज पर हैं और टोटल 5 हैं। तो ये वाली स्टेज है ये लंबी होगी और जैसा कि 1 घंटे का वीडियो है तो अभी हम 22-23 मिनट गेम प्ले कर चुके हैं और अभी 40 मिनट मतलब 40 या 35 मिनट का गेम प्ले रह रहा है। फटाफट उसको भी खेलते हैं और पता, जैसे कि हमें अभी पता नहीं चला 20 मिनट का, ऐसे ही आगे भी पता नहीं चलेगा 30 मिनट का। ये जिसको मैं मार रहा हूँ ना हवा में, क्या नाम है इसका, लियोनी है शायद, इसके पास जाके हमें कभी नहीं मारना चाहिए, ये मेरे को अभी पता चला है। क्योंकि ये ना अगर हम इसके मतलब जब ये गिरा हो और हम इसके पास में जाके मारेंगे इसको तो ये हमें ना उठा के पकड़ देगा, ये रेसलर है शायद। और ये छोटे मोटे तो आते रहेंगे। और ये अच्छा, ये जो चाकू फेंक के मार रहा है इसका नाम हॉलीवुड है, पहले इस हॉलीवुड को ही मारो। इस मॉन्स्टर को हम आज़ाद नहीं कर सकते, उधर जाने में कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे ये बहुत सारे हैं आगे। ये रेड वाले जो हॉलीवुड होते हैं इनमें ज़्यादा जान नहीं होती, एक पंच की जान होती है। तो यहाँ पे ये एलिक, अच्छा इसका नाम इलेक्ट्रिक से इंस्पायर है इसलिए एलिक रखा हुआ है। और यहाँ बहुत सारे आएंगे भाई, इधर में सुपर मार्केट। चलो अभी और आएंगे, लेकिन एक और सुपर मार्केट। यार ये जो चाकू वाली लड़के ना, ये बहुत, इसको मैं कह रहा था ये इसके पास जाके ना हमें कभी मारना नहीं चाहिए, जब ये गिरा हुआ हो ये उठा के फेंक देता है। गाइज अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा है, इस जनवरी तक मैं करना चाहता हूँ 500 सब्सक्राइबर। अभी 300 हो चुके हैं तो उसमें छोटा सा आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, सिर्फ 1 सब्सक्राइबर का। अगर आप वो पूरा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फाइनल फाइट, इसकी ब्रांडिंग को रखिए। और इस गेम के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये ना ओपन बार मतलब एक फैन बेस्ड गेम है, ऑफिशियली गेम नहीं है ये, मतलब फैंस ने मिल के इस गेम को बनाया है, इसके कैरेक्टर को निकाल के मतलब फैंस ने बनाया। ओपन बार जो गेम है ना ये एक कम्युनिटी है, उसमें ये फैन जो होते हैं जिनको ये आता है तो वो अपनी ट्रिक बना के ऐसे गेम बनाते रहते हैं। और ये सिर्फ फाइनल फाइट नहीं, ये बहुत सारे गेम के अंदर है। आपको कैडिलैक एंड डायनासोर भी मिल जाएगा, फेट ऑफ वॉरियर भी मिल जाएगा ऐसे ही, और बहुत सारे गेम मिल जाएंगे। मैं इसके बाद जो गेम प्ले करूँगा ना, मैं आर्ट ऑफ फाइटिंग एक गेम है उसको मैं गेम प्ले करूँगा इस गेम के बाद, जो रेट्रो गेम की कैटेगरी में आते हैं, इनकी मैं बात कर रहा था। अब देखो ये 4 आ गई है ना, ये मेरी एक लाइफ तो लेके जाएंगी। खैर 3 को तो मैंने मार दिया, ये भी मैंने मार दिया, अभी 3
तीन और आ गई और इन्होंने चार हो गई दोबारा से। यार अब मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। चार में से मैंने एक, अबे यार और आ गई तो आते जा रही हैं। सॉरी गाइस मुझे कफ हो रहा है थोड़ा सा। नहीं मार दिया इन्होंने, मैं यही बता रहा था ये लड़की है ना बहुत खतरनाक है। एलिजा और लियोन, लियोन ही रख देते नाम भाई। तो यार इस वाले क्या कहते हैं, अभी मेरी जीरो लाइफ है, मुझे ये लाइफ बहुत संभाल के डिस्प्ले करना है क्योंकि इसके बाद मुझे दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा थर्ड टाइम। अभी ये मेरा सेकंड टाइम चल रहा है और थर्ड टाइम मुझे गेम कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फटाफट से इनको मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रिक्शे वाला हमें देख रहा है, हेल्प नहीं कर सकता आके। यार दोनों तरफ से बहुत सारे आ गए। तो एंड्रो वैसे शुक्र है इसमें हमें गेम प्लेयर की काफ़ी सारी मूव्स मिलती है जो कि हमें गेम्स के अंदर भी मिलती है। इसके अलावा हमें सुपर पावर भी मिलती है और वो बार बार बन भी जाती है, मतलब एक ही लाइफ के अंदर कई बार उसको हिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सामने वाले पे। अरे आ गया और मेरी ये जीरो लाइफ है, शायद मैं इस लाइफ के अंदर इसको मार पाऊँ। पहले अभी तक तो मैं अच्छा प्ले कर रहा हूँ इसके साथ, पर मेरी सुपर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं अभी तक मार देता इसको। रेड हो रखी पावर, अभी मेरी एक सुपर बन गई है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे मार पाऊँ उससे। अरे यार गिरने ही नहीं दिया, नहीं तो मैं मार देता इसी से इसको। तो अभी मैंने फोर्थ टाइम मैंने गेम को दोबारा कंटिन्यू किया है और खैर इसमें ज़्यादा जान नहीं है। मर गया ये, शायद स्टेज क्लियर हुई हो या नहीं। नहीं यार स्टेज क्लियर नहीं हुई है। अभी हमें इसको भी मारना पड़ेगा, इसलिए ये गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको तीन लाइफ के अंदर ही बैक टू बैक दो तीन लीडर या ड्रैगन का सामना करना पड़ता है और ये वाला ड्रैगन ना बड़ा खतरनाक है, गोल गोल घूमता है और इसमें कोई भी मूव काम नहीं करती जब ये मारता है। देखना घेर के मार रहा है मुझे, गिरने ही नहीं दे रहा है। बच
गया यार, मुझे इसको एक सुपर मारनी पड़ेगी जो बनी हुई है। अरे यार ये रॉड वाला भी अभी आना था। तो फाइनली इस वाले को भी मैंने मार दिया, तो शायद अभी ये स्टेज क्लियर हो गई होगी। ओके अभी हम फाइनली लास्ट स्टेज पर हैं। ये एक बोनस स्टेज है, इसके बाद जो लास्ट वाली स्टेज है वो आ जाएगी और उसको ख़त्म करने के बाद इस गेम का एंड हो जाएगा। मतलब 35 मिनट की जो गेम है, चार स्टेज उसमें क्लियर कर चुके हैं और अभी 25 मिनट की गेम और है जिसमें पूरा गेम क्लियर हो पाएगा। बोनस लेना ज़रूरी है क्योंकि बोनस से हमें लाइफ मिलती है और हाई स्कोर बनता है। मतलब हाई स्कोर बनाने से लाइफ मिलती है, अब वो पता नहीं 10 लाख पे, 20 लाख पे और 30 लाख पे शायद बनती है। 30 लाख नहीं, 3 लाख, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब हाँ ऐसे ही लाइफ बनती है। अभी यार इन्होंने मुझे फिर से घेर लिया, संभल के खेलना पड़ेगा। इस गेम में ऐसा ही है, अगर आप किसी को मारते हो तो मतलब ऐसा मूव सेट करो तो एक बार हवा में उठा लो और फिर इस तरीके से मारो कि वो ख़त्म ही हो जाए, तो तभी आप इस गेम में खेल पाओगे ठीक से। उनको गिरने मत दो, हवा में मारते हो। उनको तोड़ने से हमें गैजेट और पावर मिलती है। गैजेट नहीं, गैजेट तो इसमें काम ही नहीं करते, जो आपके हाथ पैर है उससे ही आपको सब कुछ करना है। कैडिलैक डायनासोर की तरह नहीं है कि अगर आपको गन मिलेगी तो आप गन यूज़ कर पाओगे, पर उससे बढ़िया है कि हमें इसमें सुपर पावर दी हुई है। अभी इन्होंने मुझे घेर लिया यार, मार ही नहीं लगता है यार, बार बार घेर ले रहे हैं। तो ये ग्रीन वाला अलग है यार, एंडोर जे आर था वो, ये ग्रीन वाले का नाम कुछ और है, एफ मतलब फादर आ रहा है, फादर हो गया यार। ये तलवार वाली फिर से आ गई और ये वाली यार, ये चाकू वाली बहुत खतरनाक है। अरे भाई छोड़ दो प्लीज यार, एक लाइफ है। अरे यार आगे से ये लोग भी मार रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं। सो गिराओ पानी में कुछ लेके जाओ, एक ये और आ गया यार, इसको भी मारना पड़ेगा। पूरे गेम के अंदर ये वाला जो ड्रैगन है, क्या नाम है, बैरोग, ये स्ट्रीट फाइटर में भी है, मतलब ये एक कैरेक्टर है, जैसे अकुमा है और उनकी तरह ये कैरेक्टर है, इससे भी आप प्ले कर सकते हो गेम को। तो सबसे इजी है इस वाले कैरेक्टर को मारना, वो कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ना बस यहाँ पे ये रॉड की तरफ आप ले आओ और इसको हवा में उछाल के मारते रहो, ऐसा है। देखो मैं बता दूँगा, अब इसको गिरने मत दो, अभी ये पीछे है ना इसलिए मैं इधर आ गया। अब देखो, अब मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, बस हवा में ही मारते रहना। तो इस वाले ड्रैगन या फिर लीडर को मारना ना सबसे आसान है, और इसको फोर्थ स्टेज दे रखी है, इसको तो फर्स्ट स्टेज देनी चाहिए। कभी आप ये गेम खेलो तो आप यही ट्रिक से इसको मारना, इसको बस एक बार इस साइड ले आना और फिर इसे गिरने मत देना, हवा में ही मारते रहो। अभी हम आ गए द बे एरिया,
द बे एरिया पहले भी था और ये शायद अभी हम शिप के अंदर आ गए। यार पता भी नहीं चलता कहाँ से पीछे से आ जाते हैं, मुझे लगा ना इनके पीछे कोई नहीं, ये रॉड वाला आ गया। ये यार ये इन पहलवान के पास में ही नहीं जाना चाहिए था, मैं गलती से मारते मारते चला गया, मर गया। अब ये मेरी जीरो लाइफ है, चौथी बार की मेरी ये जीरो लाइफ है, मुझे इस लाइफ के अंदर ही मानना पड़ेगा। और आ गए बहुत सारे आएंगे अभी, इनको मैं दूर से मारने की कोशिश करता हूँ। यार ये लॉक लगा लेता है, शिट। अरे भाई इतना परेशान क्यों कर रहा है, यार यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी। वैसे इस गेम में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो किंग ऑफ फाइटर के प्लेयर्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं गेस्ट प्लेयर, उनसे प्ले करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनसे ना हम इजीली सामने वाले को मार पाते हैं और वो बहुत फास्ट है इन बाकी प्लेयरों से। अभी मुझे इसको वेगा को और मारना है, वेगा को मारने के बाद हमें सैगेट मिलेगा और सैगेट को मारने के बाद बिशन मिलेगा, बाइसन जो कि स्ट्रीट फाइटर का विलन है। तो ये बैक टू बैक हमें तीनों को मारना होगा, सबसे पहले मैं इसको मार दूँ और मेरे को एक और लाइफ मिल गई है जो शायद 4 लाख स्कोर बनने के मिल गए। मतलब पर लाख आपको इसमें लाइफ मिलते जाएगी। अभी मैं बस इसको मार दूँ इजिली, मेरे पास सुपर मारने के लिए ब्लू वाली पावर नहीं, ऊपर चला जाता हूँ, ये अपने आप आएगा पिटाई खाने, अब नीचे आओ क्या यार, बनी नहीं रही है ब्लू वाली पावर, जो लगता है मैं इसी वाले चांस के अंदर मार दूंगा, आधी ही बची हुई है बस पावर उसकी। डू इट मैन डू इट, ओहो यार थोड़ा सा बचा हुआ है बस, बच गया, मतलब मैंने मार दिया उसको इसी चांस के अंदर। अभी मेरे पास 2 लाइफ हैं और 2 लाइफ के अंदर मुझे बाइसन को मारना है और सैगेट को मारना है। आ गया अंधे में काड़ा, आ जा। अबे यार आते ही मोल मार रहा है, इसको यार मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके पास इसके साथ ना ये चाकू वाली ही आती है और ये यार जंप करके और थोड़ा परेशान करते रहे। ये भी अमोल मारता है और इसके साथ ये चाकू वाली है ना, ये भी परेशान करती है, कभी कभी जंप करके मारेंगे तो मैं और कभी कभी ऐसे ही मारेंगे। और ये हॉलीवुड भी इसके साथ ही आते हैं, खैर कोशिश करते हैं। येलो पावर तो आ गई इसकी, अरे भाई गिर जान दे, अभी तक ना मैंने काफ़ी कैरेक्टर के साथ गेम प्ले किया हुआ है, बुली से किया हुआ है और जॉय से किया हुआ है किंग ऑफ फाइटर के,
रियो से भी किया हुआ है, अकियो कोसुनागी से भी किया हुआ है, तो आप वो ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। इसके बाद हमने इसको मार दिया है और अब हम सीधा बाइसन से बाइसन के साथ फाइट करेंगे। और मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है और होप सो इसी लाइफ के अंदर मैं इसको भी मार पाऊँ और ये फाइनल बॉस है, इसके बाद गेम का एंड हो जाएगा। और मेरा यार गेम तो चालू होते ही मर गया। तो अभी ये मैंने फिफ्थ टाइम मैंने इस गेम को स्टार्ट किया है, अगर मैं पांच बार आप अगर मैं गेम पार्लर के अंदर होता तो ये समझ सकते हो मैं 5 पॉइंट यूज़ कर चुका होता। पावर से पावर इसको मारना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाइसन को मारना। इसके लिए भी आप मतलब अगर ये ऊपर है तो आप नीचे आके खड़े हो जाओ, ये अपने आप पिटाई खाने के लिए नीचे आ जाएगा। बट ये जो एंडोर है साथ में, एंड्रियो एंडोर है साथ में, ये परेशान करते हैं आपको। तो मैं कोशिश करूँगा अब मैं इस लाइफ के अंदर इसको मार पाऊँ, और ये मरने वाला है वैसे तो, बस गया। तो फाइनली ये था फाइनल फाइट का ओनी के साथ एक पूरा गेम प्ले, और इसके बाद एंड है और कुछ नहीं है। तो अगर आप इस गेम को एंजॉय करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, और गेम प्ले उस वीडियो पर होगा जिसकी डिमांड आप करेंगे। थैंक यू सो मच।